प्रथम तहलका न्यूज और फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हां, फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में किसान आंदोलन के भारत बंद का असर जो है वो देखने को नहीं मिला है। आपको बता दें कि जिले में सभी सेवाएं सुचारू रूप से चालू है और किसान आंदोलन के चलते एहतियात के तौर पर पुलिस बल जो है वो जगह जगह पर तैनात किया गया है और उसके साथ ही किसी भी उपद्रव से निपटने के लिए यहां पर फोर्स की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि पुलिस बल के साथ फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां भी तैनात की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो फरीदाबाद से आ रही है, जहां किसानों के भारत बंद का जो असर है वो नहीं देखने को मिला है। आपको बता दें कि जिले में सारी सेवाएं जो है वो सुचारू रूप से चल रही है, तो वहीं इस दौरान किसान आंदोलन के चलते एहतियात के तौर पर जो है वो जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें कि किसी भी उपद्रव से निपटने के लिए जो है ये फोर्स की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि पुलिस बल के साथ साथ फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां भी तैनात की गई है। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता दें जो फरीदाबाद से आ रही है। नहीं, हमारी तरफ से तो बसेस पूरी सुचारू रूप से तो चल रही है हमारी बसेस, और अभी जैसे हम लोगों ने सुबह से लेकर अब तक 34-35 टाइमिंग हमारे बसेस के जो हैं ये निकल चुके हैं एज़ पर जो हमारे रूटीन में है। लेकिन आगे जाके हमें मालूम पड़ रहा है कि पानीपत साइड, करनाल साइड, वहाँ जाके बसों को रोका जा रहा है, तो वो थोड़ी दिक्कत वाली बातें हो रही है। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिपो के अगर हम माने तो यहाँ से बसें हमने निकाल दी हैं, और अब आने वाले वक्त के अंदर जो समय हमारे पास है अभी हम उसको अलीगढ़, आगरा साइड इन बसों को ये भेजेंगे ताकि आगे जो लोगों को कोई परेशानी ना आए। कितनी बसें हैं जो कि रोडवेज की रोकी गई हैं सर? टोटल 7-8 बसों को तो रोका जो जहाँ तक उनकी इन्फॉर्मेशन आई है हमारे पास। तो बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर भी काफ़ी भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया हुआ है। वो तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रखा हुआ है कि भी कल को कोई ऐसे कोई यहाँ पे कोई बाहर के लोग ना आके यहाँ पे कोई हुदड़ंगबाजी ना कर दें, केवल वो तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। आज किसानों द्वारा भारत बंद का ऐलान करने पर हमने यहाँ अपनी ड्यूटियाँ लगा रखी हैं, और वैसे बल्लभगढ़ बस अड्डे पे हमारा यहाँ पे कोई किसी प्रकार का भी इस प्रकार की कोई भारत बंद की कोई बात नज़र नहीं आ रही है। सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं, सिचुएशन बिल्कुल पीसफुल है। बाकी हम बिल्कुल तैयार हैं किसी प्रकार का भी कोई एजिटेशन आता है शांतिपूर्ण तो वो आराम से करें। बाकी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। जो और उसके आड़ में सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, चाहे वो बस स्टैंड हो या नगर निगम, ना कोई भी बंद नहीं है, सभी खुले हुए हैं और सभी सुचारू रूप से चले हुए हैं, और सिचुएशन बिल्कुल पीसफुल है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सभी जगह ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, 50-60 पुलिस कर्मचारी हैं यहाँ बस अड्डा बल्लभगढ़ पे हैं, जो रेलवे स्टेशन पे और बस अड्डा बल्लभगढ़ पे। नहीं, दोनों बस अड्डाओं के गेट पे हैं, कुछ यहाँ IRB की फोर्स है और कुछ है, और बिल्कुल हम बिल्कुल मुस्तैदी से यहाँ तैयार हैं। इस बार विफल है किसानों को? नहीं, हम तो कानून व्यवस्था को बिल्कुल किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था ड्यूटी को सुचारू रूप से करेंगे और कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे। फरीदाबाद में जो है तीनों जोन जो बढ़ते हैं, सेंट्रल हो गया, NIT हो गया, बल्लभगढ़ हो गया, तो तीनों जोन में ही है, तो डिप्लॉयमेंट की गई है फोर्स की भारत बंद के जो कॉल की गई है उसके मद्देनज़र। तो मैं इसी भी बल्लभगढ़ हूँ और यहाँ पे बस स्टैंड पे मेरी ड्यूटी लगाई गई है, तो यहाँ पे कानून व्यवस्था को देखने की और जो यहाँ पर बसों की संचालन है तो इसमें कोई भी रुकावट ना आ सके, तो इसी के लिए यहाँ पर फोर्स की भी दी गई है और उसका नेतृत्व करने के लिए, उनको ब्रीफ करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सर, देखा गया है कहीं भारत बंद का असर नहीं है? अभी जो है मैं अभी अपने बस स्टैंड पे ही आया हूँ, बाकी जगह पे जो है अभी फ़िलहाल हमें फरीदाबाद से कुछ अभी इनपुट नहीं आया है, और बाकी जो ज़िलों का उसका निपटा सकते हैं। फिलहाल जो यहाँ पे है तो यहाँ संचालन ठीक चल रहा है और जो फोर्स हमारे पास वो पर्याप्त मात्रा में है। सुरक्षा वाइज देखा जाए तो इनके पास जो कैन शील्ड है, इनका बॉडी प्रोटेक्टर जो है इनके पास, और सारे जो भी उपकरण इनके पास पड़े हुए हैं, और कहीं कहीं जगह वज्रा का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है, जो भी ज़रूरत का मद्देनज़र जो है वो प्रयोग में ला जा सके। सर, आपने बोला जैसे आज भारत बंद का आह्वान है, अगर GT रोड की व्यवस्था देखी जाए तो बिल्कुल नाकारा दिखाई नहीं है, कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है वहाँ पर और जाम की स्थिति बनी हुई है, क्या कहें? वो ट्रैफिक जो है उनकी ड्यूटी अलग से लगी हुई है, यहाँ पर DCP ट्रैफिक, ACP भी है यहाँ पर, उन्होंने अपनी डिप्लॉयमेंट जो है ट्रैफिक के मद्देनज़र की हुई है। यहाँ फिलहाल जो है पुलिस की और जोन की तरफ से जो है अलग अलग ACP, अलग अलग DCP, अलग अलग SHO को जो है
वो कार्यभार जो है अलग अलग सौंपा गया है। बीच वाला बगल है तो ले लें, पर कोई बाइट देने के इच्छुक ना।